सो है गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू द बीके एडिट। सो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं कुछ इस तरह की सेम फोटो एडिटिंग। सो गाइस, अगर आपको भी इस तरह की एडिटिंग सीखनी है तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। स्टेप बाय स्टेप देख रही, मैं आपको फुल डिटेल में फुल समझाने की कोशिश करूंगा। गाइस, अगर वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी पहली बार चैनल आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर देना। सो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो गाइस, सबसे पहले आपको अपनी पिक्चर को ओपन कर देना लाइटरूम एप्स के अंदर। ओपन करने के बाद गाइस आपको क्या करना, सबसे पहले आपको चले जाना इस सन वाला आइकन के अंदर एंड इसका एक्सपोज को डाल देना 10 एंड इसका कॉन्ट्रास्ट को भी डालना, ठीक है। और इसकी हाईलाइट को माइनस की तरफ कर देना एंड शेडो को माइनस की तरफ, और वाइट को थोड़ा सा डाल देता हूँ एंड ब्लैक को माइनस की तरफ कर देता हूँ। ओके गाइस, और ये वाला सेटिंग आपको कुछ इस तरीके से कर देनी है। इसके बाद अभी मैं कर देता हूँ इसको डन, और डन करने के बाद गाइस आपको चले जाना है इस कलर टूल्स के अंदर। ओके गाइस, इसके बाद आपको चले जाना ऊपर मिक्स टूल के अंदर, और मिक्स टूल के अंदर आने के बाद गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सेकंड कलर चूज कर लेना एंड इसका सैचुरेशन आपको क्या करना माइनस की तरफ कर देना। ओके, एंड ह्यू को थोड़ा प्लस की तरफ एंड ल्यूमिनस को थोड़ा प्लस की तरफ, ठीक है। इस तरीके से ये वाली सेटिंग कर देनी है। एंड इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, आप कलर कर देना है येलो चूज। ओके, और इसकी ह्यू को आपको क्या करना है प्लस की तरफ कर देना, ठीक है, माइनस की तरफ 100 एंड इसका सैचुरेशन प्लस की तरफ कर देता हूँ। ओके, एंड इसका ल्यूमिनस आप चाहे थोड़ा भी डाल भी सकते हो, ठीक है। सो इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, ग्रीन कलर को ऐड कर देना, ठीक है। और इसकी ह्यू को यहाँ से आपको क्या करना है, इसकी ह्यू को यहाँ से माइनस की तरफ करिए, ठीक है, और सैचुरेशन को प्लस की तरफ। ओके ना गाइस, सो इसके बाद आपको गाइस करना क्या है, आपको ये वाला कलर ऐड कर देना एंड इसकी ह्यू के अंदर चला जाना है। देन यहाँ से आपको क्या करना है, इसकी ह्यू को थोड़ा मैं माइनस की तरफ कर देता हूँ, ठीक है, एंड ल्यूमिनस को प्लस की तरफ कर दिया। ओके गाइस, एंड ये ल्यूमिनस में इसका थोड़ा सा माइनस कर देता हूँ एंड इसके बाद गाइस आपको करना क्या, इसको कर देता हूँ अभी डन। ओके गाइस, और डन करने के बाद आपको क्या करना है, इसका सैचुरेशन को थोड़ा सा मैं डाल देता हूँ, ठीक है। ओके गाइस, सो अभी मैं इसको देता हूँ यहाँ से डन। सो अब आपको चले जाना है इस इफेक्ट टूल्स के अंदर एंड इसकी क्लैरिटी को डाल देता हूँ एंड टेक्स्ट टूल भी थोड़ा सा डाल देता हूँ एंड डेज को थोड़ा और मैं डाल देता हूँ, ठीक है, एंड विगनेट को माइनस की तरफ कर देता हूँ। सो इसके बाद अभी इसको आपको यहाँ से डन कर देना है, और डन करने के बाद गाइस आपको चले जाना है इस ट्राइंगल के अंदर और इसमें शार्पिंग डाल देता हूँ एंड शार्पिंग इतनी डालने के बाद आपको क्या करना है, नॉइस रेडिएशन को भी डाल देता हूँ एंड कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा डाल देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको कलर नॉइस रेडिएशन में जाना, इसको भी डाल देना 50 के आसपास एंड डिटेल्स को फुल। ओके गाइस, सो इस तरीके से आपको ये वाली सेटिंग कर देनी है, और करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, अभी इस पिक्चर को मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो 3 डॉट पर क्लिक कर देना, और सॉरी गाइस, यहाँ पर शेयर का क्लिक कर देना और सेव टू डिवाइस। ओके, सो ये पिक्चर हमारा सेव हो चुकी है, और अब इस पिक्चर को मैं कर देता हूँ यहाँ से डिलीट। 3 डॉट में चल जाना और डिलीट को ऑप्शन पर प्रेस कर देना। सो ये पिक्चर अपनी यहाँ से डिलीट हो चुकी है। अब चलता है गैलरी के अंदर, वहाँ से पिक्चर को वापस से ऐड कर लेते हैं। सो गाइस, फाइनली इस पिक्चर को मैंने वापस ऐड कर दिया लाइट में एप्स के अंदर। इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, यहाँ से बैंक आ जाना और यहाँ से आपको अपने प्रीशीट को ओपन कर देना, ठीक है। सो मैं चले जाता हूँ प्रीशीट के अंदर, और यहाँ से प्रीशीट ओपन हो चुका है। 3 डॉट के चले जाता हूँ, और यहाँ से लिखा कॉपी सेटिंग, तो इसको अभी कर देता हूँ मैं कॉपी, राइट पर मैं टिक कर देता हूँ। सो इसके बाद आपको यहाँ से बैंक आ जाना है और अपनी पिक्चर को ओपन कर देना, ठीक है, जिस पिक्चर को अभी एडिट किया था उसी पिक्चर को। इसके बाद गाइस आपको 3 डॉट के अंदर चले जाना है, यहाँ से नीचे जाना, यहाँ पर लिखा पेस्ट सेटिंग, मैंने लिखा देता हूँ पेस्ट सेटिंग। सो गाइस आप देख सकते, बस एक ही क्लिक में कितनी ऑप्शन पिक्चर लग रही है। ओके, और इसमें थोड़ा सा आप कलर एडिटिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, तो इसमें फेस पर बहुत ज़्यादा कलर आ चुका है, ठीक है। तो इसको रिमूव करने के लिए आपको क्या करना, हेयर टूल चाहिए कलर टूल्स के अंदर चला जाना, ठीक है। इसके बाद जाना मिक्स टूल एंड ये सेकेंड कलर को ऐड कर लेता हूँ। ओके, और इसकी ह्यू के अंदर चला जाना एंड इसकी ह्यू को थोड़ा मैं प्लस की तरफ कर दिया। ओके गाइस, एंड ल्यूमिनस को थोड़ा सा डाल देता हूँ, ठीक है, यार इसका सैचुरेशन थोड़ा और मैंने माइनस की तरफ कर दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको कर देता हूँ डन, इस चले जाते हैं इस कलर के अंदर, ठीक है। और इसका आपको क्या करना है, ब्लैक को डाल देना एंड इसकी ह्यू को यहाँ से मैं थोड़ा माइनस की तरफ कर देता हूँ। ओके गाइस, सो इसको अभी कर देता हूँ मैं यहाँ से डन। सो इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, चले जाना आपको यहाँ से ऊपर सेलेक्टिव टूल्स के अंदर, देन आपको यहाँ से क्या करना है, इस पिक्चर को यहाँ से मैं अभी जूम कर लेता हूँ। ओके गाइस, इस तरीके से, और सेलेक्ट टूल्स के अंदर चले जाने बाद गाइस प्लस के आइकन में क्लिक कर देना और ये वाला राउंड ऐड कर देना। ओके,
इस तरीके से आपको यहाँ पर फेस पर छोड़ देना है। देन यहाँ चल जाना इस कलर टूल्स के अंदर और इसका सेचुरेशन आपको क्या माइनस की तरफ कर देता हूँ, ठीक है इस तरीके से। और इसका टेंट को यहाँ से मैं थोड़ा सा माइनस की तरफ एंड टेम्परेचर को यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ प्लस की तरफ कर देता हूँ, ठीक है इस तरीके से। सो अभी चले जाता हूँ इस कलर के अंदर इफेक्ट टूल्स के अंदर आने में कलर टूल्स को क्या करना आपको, यहाँ से कलर को मैंने माइनस की तरफ कर दिया एंड टेक्सचर को यहाँ से मैं माइनस की तरफ कर देता हूँ, ठीक है इस तरीके से। एंड एज को थोड़ा सा मैंने डाल दिया, ओके। सो अब चले जाता हूँ इस सन वाले आइकन के अंदर एंड इसका शेडो को थोड़ा मैं यहाँ से थोड़ा सा मैं डाल देता हूँ, ठीक है एंड इसको कर देता हूँ अभी मैं डन। ओके गाइस, सो मैंने गाइस यहाँ से डन कर दिया। अब आप देख सकते हो बहुत ही ऑसम पिक्चर लग रही, पहले कैसी थी, पहले कुछ इस तरह की पिक्चर थी एंड फिर इसे अप्लाई करने में कितनी ऑसम पिक्चर लग रही है गाइस। सो गाइस अब पिक्चर को सेव करने के लिए आपको क्या करना, शेयर करके क्लिक देना और सेव टू डिवाइस। सो गाइस आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और जो भी चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर देना। मैं बोलता हूँ आपसे ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।